हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम संजीव कुमार जिंदल है। मैंने अब वीडियोस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डालनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं कि आप काफ़ी काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं और आपको इंतज़ार रहता है किसी ना किसी नई ट्रिक का, जो मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपने मन मुताबिक कोई जॉब पा जाएँ। अब मैंने ये एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं ट्रिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे रेगुलर आपको वीडियोस दूंगा, एक एक दो दो दिन के अंतराल में, जिसमें आपको ऐसे मैं तरीके बताऊंगा जॉब्स ढूंढने के लिए या अपने मन मुताबिक नौकरी पाने के लिए, जो जनरली आपको गूगल सर्च पे नहीं मिलते हैं या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि जो भी ट्रिक होती है कोई भी, चाहे वो नौकरी ढूंढने के लिए है या कोई भी है, और वो रियली इफ़ेक्टिव है, कामयाब है, तो वो हमेशा बहुत आसान होगी। आप जनरली ये सोचेंगे कि इतनी आसान ट्रिक है, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हो, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा। और आसान जो जितनी ट्रिक होती है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव भी होती है। तो इमीडिएटली अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो जनरली मैंने बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पिछले वीडियोस पे, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के, कि जी हमने हर एक जॉब पोर्टल पे, naukri.com पे, shine.com पे, indeed.com पे अपने रिज्यूमेस भी डाले हैं, चलिए वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, या न्यूज़पेपर में सिचुएशन वेकेंट जो होती है, या रिक्त स्थान जो होते हैं हिंदी के न्यूज़पेपर में, जहाँ पे आपको जॉब्स के बारे में इश्तिहार, एडवर्टीज़मेंट निकलती हैं, वो भी एक तरीका है जो जनरली लोगों को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी सपोज़ किसी को अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब कोई नई ट्रिक आप बताएं, ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। तो नई ट्रिक ये है कि इसको हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच टू कंपनीज, फैक्ट्रीज, शोरूम्स या किसी भी तरह के बिजनेसेस। तो अब वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है, वो आप किन लोगों को, किन कंपनीज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट अप्रोच में ये है कि किसी ने आपको कॉल नहीं किया, किसी कंपनी ने आपको कॉल नहीं किया, किसी कंसल्टेंट ने आपको कॉल नहीं किया, किसी ने आपको ये नहीं कहा आप यहाँ चले जाइए, यहाँ आपके पास आपके लायक एक जॉब है, ऐसा कहीं कुछ नहीं आया। आपने क्या करना है कि आपने अपने रिज्यूमेस के बहुत अच्छे 15-20-25 फोटोकॉपीज ले लेने हैं, हर एक रिज्यूमेस या बायोडाटा में आपने अपना अच्छा सा एक पासपोर्ट साइज़ या उसे थोड़ा सा बड़ा, जिसमें आपका फेस बहुत क्लियर आए, वहाँ पे चिपका लेना है या स्टेपल कर लेना है, उसको एक फ़ाइल में रख लेना है। आपने अपने लिए एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहन लेनी है, अगर थोड़ा हल्की सी सर्दी है तो एक कोट और टाई, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई भी ठीक ठाक फॉर्मल कपड़ा आप पहन सकती हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि ये देखना है कि आप इंडिया के जिस भी हिस्से में रहते हों, आपके नियरेस्ट, सबसे नज़दीक ऐसे कौन से कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो आपको गूगल सर्च से मिल जाएंगे आराम से। आपके आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, ये आपने एक आइडिया ले लेना है, ढूंढ लेने हैं। आपने ये आइडिया जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से करना है। अगर आप इंजीनियर हैं, उससे रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको शायद ऑफिसेज में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में नहीं मिलेगी, फिर आपको इंडस्ट्रियल एरियाज ढूंढने हैं अपने जहां आप रहते हैं उसके नियरेस्ट, सबसे नज़दीक। अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, किसी और तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस अपने नियरेस्ट ढूंढिए। अगर आप किसी शोरूम में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो ढूंढिए। करना ये है कि आपको सुबह 10-1 बजे निकल जाना है जो एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेने, क्योंकि सबका मैं अलग अलग नहीं बता पाऊँगा, एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। लेट से आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन पाई है, अब आप एक फैक्ट्री में जॉब पाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में,
ऐसा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब कोई ऑफिस में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, शोरूम में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आप टेक्निकल हैं और आपको फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब चाहिए, तो आपने अपने आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, आपने गूगल सर्च पर ढूंढ लिया। अब आप निकल जाइए, आप उस एरिया में पहुंच जाइए। आपने करना ये है कि एक एक करके, एक लाइन से जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, एक एक करके आपने हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है। वहां जाने पर आपको या तो कोई सिक्योरिटी मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है या कोई एडमिन का पर्सन हो सकता है। आपने उसको ये कहना है कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं अंदर उस पर्सन से, उस व्यक्ति से मिल सकता हूँ जो रिक्रूटमेंट का काम देखते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एचआर डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो, एचआर डिपार्टमेंट हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जनरली बहुत बड़ी कंपनीज़ में ही होता है, छोटी कंपनीज़ में कोई एडमिन का ही पर्सन होता है जिसे ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो आप उसमें अंदर चले जाइए और अपना एक रिज्यूमे उस पर्सन के सामने टेबल पर रख दीजिए कि सर या मैम जो भी हैं वहाँ पे, मैं इस एरिया में आया हुआ था, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, ये मेरा रिज्यूमे है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कोई जॉब है तो अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, अन्यथा आप इसको रख लें अपने रिकॉर्ड में और अपना एक कार्ड या फ़ोन नंबर नाम के साथ मुझे दे दें। ज़्यादातर केसेस में आपको अच्छा इनविटेशन मिलेगा, आपको अच्छी तरह से वो ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे कैसे आ गए, जनरली कोई एक आधा 100 में से एक दो ऐसा हो सकता है, वहाँ पे जो बंदा बैठा है उसका नेचर कुछ इस तरह का है, अदरवाइज़ वो आपसे अच्छी तरह से बात करेगा, क्योंकि मैं भी एचआर में हूँ तो मुझे आइडिया है कि अगर कोई नौकरी ढूंढता हुआ आता है और अगर एक मिनट अपना रिज्यूमे देकर अपना मेरा कार्ड लेके चला जाता है तो मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं है। अब आपके पास उनका नाम और फ़ोन नंबर आ गया और उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में मैंने अपना रिज्यूमे दे दिया है। देखिए, अब क्या है कि हो सकता है कि उस कंपनी में ऐसे पर्सन की आवश्यकता उसी वक्त बाई चांस हो, आपकी किस्मत अच्छी है तो जब आप पहुंचे, या हो सकता है कि उस वक्त बाई चांस आप जैसे पर्सन की या कैंडिडेट की आवश्यकता उस वक्त उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में नहीं है, लेकिन उनके पास एक रिज्यूमे है आपका। अगली बार अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, तो वो बजाय इसके कि जॉब पोर्टल से कैंडिडेट ढूंढें या अखबारों में इश्तिहार दें, वो उसी कैंडिडेट को जो आपका है बुला सकते हैं। एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है जैसा जॉब आप पाने के लिए उस कंपनी में गए हैं, उस जॉब को करने वाले काफ़ी लोग ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहे हों और वहाँ पे जो एचआर का पर्सन है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कि उनमें से किसी से सेटिस्फाइड ना हो उसके काम से और वो सोच रहा हो यार ये कैंडिडेट मेरे फैक्ट्री के नियमों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, और चांस की बात है अगर आपका रिज्यूमे सामने आ गया तो हो सकता है वो आपसे बात कर ले, आपका फ़ोन नंबर भी वहाँ पर है, आपकी फ़ोटो भी लगी, आपको याद भी रखेगा वो कि भाई ये पर्सन इस तरह से मिलने आया था। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए हर एक कंपनी वाले को एक ज़रूरतमंद एम्प्लॉई चाहिए होता है, एक पर्सन, एक कैंडिडेट जो अपना रिज्यूमे उठा के उनकी फैक्ट्री तक पहुंच गया जबकि कोई वैकेंसी नहीं थी और कह रहा है कि मुझे एक जॉब की आवश्यकता है, क्या आप मुझे दे सकते हैं, तो कंपनी में जो एचआर या जो उसका मालिक है उसको ये लगता है यार इस कैंडिडेट को वाकई में जॉब की आवश्यकता है, इसीलिए इस तरीके से रिज्यूमे लेकर ये मार्केट में या फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में घूम रहे हैं, तो इनको मौका देना चाहिए, ये ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। ये साइकोलॉजिकल है। देखिए, एक कंपनी का मालिक या एचआर का पर्सन सिर्फ क्वालिफिकेशन और कैंडिडेट को देखकर या एक्सपीरियंस को देखकर ही नहीं रखते हैं, वो ये भी देख के रखते हैं कि इस कैंडिडेट की कितनी आवश्यकता है, कितने ज़रूरतमंद है, जो जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करता है। ये मैं आपको एचआर डिपार्टमेंट या जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी सोच किस तरह की है ये बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये ना पता हो, आपको ये लगता हो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के दम पर ही जॉब मिलती है, ऐसा तो है, लेकिन अगर कोई ये दिखा दे कि हम ज़रूरतमंद भी हैं तो ये एक कंपनी या एचआर डिपार्टमेंट के सीनियर पर्सन के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि एक ज़रूरतमंद को ज़रूर रख लो, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है अगर कहीं इसे को बुखार भी हुआ किसी दिन तो ये तब भी आ जाएगा क्योंकि इसको डर होगा कि नौकरी ना छूट जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं,
तो ये हो गया। अच्छा, अब आपने सपोज रिज्यूमे एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में दे दिया, अब आप दूसरी फैक्ट्री में चले जाइए, तीसरी में चले जाइए, चौथी। अब आपको क्या पता कि आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जॉब कौन सी फैक्ट्री में है या कौन सी में नहीं है। इस चक्कर में मत पड़िए कन्फ्यूजन में, आप हर एक जगह अपना रिज्यूमे दे दीजिए। देखिए, आपकी आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आप जहाँ जितनी जगह रिज्यूमे दे रहे हैं, सपोज़ मैं उनमें से एक फैक्ट्री में बैठा हूँ, आप अपना रिज्यूमे लेकर आए, मैं एचआर का बंदा हूँ और मुझे लगा यार मेरे लायक तो ये रिज्यूमे नहीं है, फिर भी मैंने रख लिया। हो सकता है मेरे सर्कल में मेरे ही जैसे लोग, मेरे ही लेवल के लोग उठते बैठते हों एचआर के या कंपनी के मालिक, तो अगर उसमें से किसी ने कभी मुझे कहा यार इस तरह का एक कैंडिडेट मेरी आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है, और तो मैं कह सकता हूँ हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं जाके उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा आपको रिज्यूमे का। तो आपका रिज्यूमे इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रीज़ में सर्कुलेट होना शुरू हो गया। अगर आपने एक दिन में जाके 10, 20, 30 जगह अपना रिज्यूमे दे दिया, लंच टाइम हो गया, आपने वहीं बैठ के कहीं लंच कर लिया, अगर आप साथ लाए हैं या कहीं पे कर लीजिए, उसके बाद फिर शुरू हो जाइए, शाम तक आप अपने रिज्यूमे बांट दीजिए, उसके बाद आप अपने घर चले जाइए। अब कोशिश आपने ये करनी है कि जहाँ जहाँ आपने रिज्यूमे दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आपने उनका नंबर, फ़ोन नंबर, नाम जिनको आपने रिज्यूमे दिया है और कंपनी का नाम, आपके पास लिस्ट हो पूरी, यानी आपके पास 10 से लेके 30 कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ की लिस्ट एक दिन में आ गई जहाँ आपने रिज्यूमे बांटा है। दूसरे दिन फिर ये कर लीजिए, तीसरे दिन ये कर लीजिए, चौथे दिन ये कर लीजिए, विश्वास कीजिए 5वें दिन तक आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। 5वें दिन ज़्यादा से ज़्यादा तक आपके पास, क्योंकि 5वें दिन तक आप कम से कम 50, अगर आप रोज 10 फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं सिर्फ, और अगर रोज 20-30 में जा रहे हैं तो 100-200 फैक्ट्रीज़ में आप अपना रिज्यूमे दे चुके होंगे, तो आपके पास वहाँ से कोई ना कोई फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। और आप कोशिश ये कीजिए कि अगर, अच्छा उसका एक और बेनिफिट होता है, जब आप अपने गूगल सर्च करके अपने घर के सबसे नियरेस्ट एरिया में जॉब ढूंढने के लिए अपना रिज्यूमे देने जाते हैं कहीं पे, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल ये है कि ये फैक्ट्री आपके लिए बहुत नज़दीक है, ये नहीं है कि 500 किलोमीटर दूर है, आपने वहाँ जाके नया घर या नया रूम लेके वहाँ पे काम करने के लिए जाना है, आप अपने घर से ही रोज़ आ जा सकते हैं अगर आपकी जॉब लग गई। उसी तरीके से जो कंपनी वाला है वो भी ये सोचता है कि मेरा एम्प्लॉई मेरी फैक्ट्री के आसपास ही कहीं रहता हो। ये एक क्राइटेरिया होता है हम एचआर लोगों के लिए कि अगर तीन एम्प्लॉई या चार एम्प्लॉयज़ हैं और चारों सूटेबल हैं एक पोस्ट के लिए, तो हम ये देखेंगे सबसे नज़दीक कौन सा रहता है हमारी फैक्ट्री के, हम उसको रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जो दूर से आएगा वो एक डेढ़ घंटे तक ट्रैवलिंग करके पहुँचेगा, थका हुआ पहुँचेगा, कभी कोई इशू आ गया, कोई स्ट्राइक हो गई ट्रांसपोर्ट की, तो वो आ नहीं सकेगा, उसके 100 बहाने हो सकते हैं। नज़दीक वाला है, कभी बीमार है हल्का फुल्का या कुछ भी है, घर में कोई बीमार है, वो निपटा के फटाफट ऑफिस आ जाएगा। तो एचआर या रिक्रूटर्स जो होते हैं वो स्टाफ रखने से पहले 3600 चीज़ें सोचते हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही नहीं देखते हैं, या वो इंटरव्यू में कैसे बात करता है यही नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त रखना नहीं है उसने, उसके बाद वहाँ 8 घंटे 10 घंटे रोज़ काम भी तो करना है, वो काम करने के लिए सूटेबल है, कितनी दूर रहता है, कंफर्ट है आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। तो अच्छा, अब आपने 5वें 6वें दिन तक आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आप जब आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगे तो वो जनरली एक चीज़ आपसे पूछेंगे, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, कि अगर वो आपसे ये पूछें कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप जनरली यही जवाब दीजिए कि सर जो आपको सूटेबल लगे वो आप मुझे ऑफ़र कर सकते हैं, या आप मुझे एक दो दिन बुला के अपनी फैक्ट्री में काम करा के देख लें, आपको मेरा एटीट्यूड, मैं कितना सीखना चाहता हूँ इसका अंदाज़ा लग जाएगा, उसके बाद आप फिर मेरी सैलरी डिसाइड कर लीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि उन्हें ऐसा ना लगे कि ये कैंडिडेट बहुत अकड़ू है, या ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जितना ज़्यादा आप हम्बल दिखेंगे किसी पर्सन को फ़ोन पे या जब आप इंटरव्यू में गए हैं या वैसे अपना रिज्यूमे देने गए हैं, उतने ज़्यादा चांस होते हैं आपको जॉब मिलने के। क्यों? क्योंकि कोई भी अकड़ू को अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखना चाहता, चाहे आपका नेचर जैसा भी है, लेकिन आपने शुरू में इम्प्रेशन यही दिखाना है कि आप बहुत ही हम्बल, बहुत ही एडजस्टिंग नेचर के
पर्सन है। तो अच्छा, अब ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया फैक्ट्री वाला, ये सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए ये ट्रिक नहीं है। ये सपोज़ आपने सिर्फ 10th पास की है या 12th पास की है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट हैं, तो ऑब्वियसली है कि आपके लिए जो जॉब है वो किसी ना किसी कंपनी में होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब हो सकती है, किसी शोरूम में कोई जॉब हो सकती है, किसी भी तरह की। तो वो आपने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पढ़ाई के हिसाब से ये चूज़ करना है कि आप कहाँ जाएंगे। हालांकि आप अगर ग्रेजुएट हैं, 10th या 12th पास है, तो आपके लिए भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब्स होंगी, क्योंकि फैक्ट्री में सिर्फ टेक्निकल लोग ही काम नहीं करते हैं। लेकिन अब फैक्ट्रियां कितनी होंगी, इंडस्ट्रीज कितनी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट है। ऑफिसेज शायद फैक्ट्रियों से ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद शोरूम्स भी हैं। आपको ये गलतफहमी है कि शोरूम एक छोटा मोटा बिजनेस होता है। एक ठीक ठाक सा ब्रांडेड कंपनी का शोरूम एक स्मॉल स्केल जो फैक्ट्री होती है उससे ज़्यादा कमाई करता है आज की रेट में। उसका जो मालिक है वो उसके सामने बड़ी गाड़ी खड़ी होती है शोरूम के सामने, क्योंकि आजकल लोगों की जेब में पैसे हैं और वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, और तो शोरूम के अंदर भी अच्छी सैलरी की जॉब मिल सकती है, बजाय इसके कि आप अपने शहर से 200-500 हज़ार किलोमीटर दूर जाएं और वहाँ रहने खाने का खर्चा करें और फिर एक अच्छी तनख्वाह उठाएं। उससे अच्छा है कि घर के पास उससे कम सैलरी में जॉब मिल रही है, घर के पास भी है, आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, तनख्वाह कम ही सही लेकिन अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने लोगों के बीच में, ये ज़्यादा अच्छा है। तो अगर सपोज़ अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो आपको अगर आप ये तरीका अपनाते हैं और 5-6 दिन तक लगातार आप अपने रिज्यूमे बांटते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई जॉब ऑफर आएगा, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आता है तो आप के पास फ़ोन नंबर हैं, उनके नाम हैं, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं कि सर मैं कुछ दिन पहले आया था, आपको अपना रिज्यूमे दिया था, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि क्या मेरे लायक कुछ है। इस तरीके से आप बात कर लें। अब आपके पास इतने सारे नंबर हैं, उन्हें आप कुछ दो चार दिन बाद रिमाइंड कराते रहिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ट्रिक। अब ये ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलेंगी, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगी जो जनरली आम लोगों को पता नहीं है, या पता भी है तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं ऐसा प्रैक्टिकल है भी नहीं ऐसा करना, और ये प्रैक्टिकल है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, तो आप ये करिए और फिर कमेंट्स में बताइएगा अगर इसका कोई बेनिफिट आपको होता है। ओके, थैंक यू, बाय।